सो हेलो एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जेई मेन्स लेवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। जेई मेन्स के क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। हर तरह का क्वेश्चन करेंगे और बस फटाफट से बस 30 क्वेश्चन करके कम्प्लीट करके फिर चले जाएंगे। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड यू विल हैव टू अटैक ऑन दैट। ओके, आई थिंक ये स्क्रीन सभी लोगों को दिख रहा होगा। मैं हर क्वेश्चन के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगा एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट एंड गिव मी द व्हाट विल बी द आंसर एंड फर्दर वी विल डिस्कस। स्पीड में जितना जल्दी जल्दी हमसे हो पाएगा मैं फटाफट से डिस्कस करूंगा। बहुत ही फेवरेट पार्ट है जेई मेंस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चलो स्टार्ट कर। आंसर आ जाएगा तो बता देना। ज्यादा नहीं, अपन 1 ही मिनट का टाइम देते हैं, ज्यादा नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो लगता है कि 1 मिनट में हो जाएगा उसको एक मिनट से ज्यादा का टाइम क्यों देना। चलो बताओ कितना आंसर आया, क्या ऑप्शन आ रहा है। देखो वाई शेड्यूल ओके दैट्स गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इफ वाई इक्वल्स टू 4x-5 इज टेंजेंट टू द कर्व, हमारा कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, ठीक है। और टेंजेंट हमारा क्या है, वाई इक्वल्स टू 4x-5, ठीक है। और किस पॉइंट पर है, वो है 2, 3 पर। तो सबसे पहले यहीं से पता चलेगा कि 2, 3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू 8p प्लस q, ठीक है। 9 इक्वल्स टू 8p प्लस q, तो यहां से एक इक्वेशन हम इसको ऐसे घेर के रख देते हैं। दूसरा हमें इक्वेशन कहां से मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके। तो अगर तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, dy by dx is equals to, sorry, 2y dy by dx is equals to 3p x square होगा। तो यहां से dy by dx तुम निकाल लो, वो कितना आएगा, 3p x स्क्वायर बाई 2y, ठीक है। लेकिन हमें dy by dx किस पॉइंट पर चाहिए, dy by dx हमें चाहिए 2, 3 पर, क्योंकि 2, 3 पर हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, 3, वो दिया हुआ, देखो 4 है उसका स्लोप। तो यहां से तुम इसको इक्वेट कर दो, 3p x के जगह पे x का स्क्वायर मतलब 4 बाई 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, और यही स्लोप हमारा कितना 4 के बराबर हो जाएगा। एक सेकेंड, अभी कोई एंटर कर रहा है, ओके करिश्मा हियर, ओके। तो ये हो गया, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो p का वैल्यू तो हमारा आ गया 2। सर p का वैल्यू 2 आ गया, तो इस p के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो 9 इज इक्वल टू 8 2 16 प्लस q, तो q का वैल्यू आ गया, दैट इज -7। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये लो ये क्वेश्चन को करो। ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। हेलो करिश्मा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करो करना। x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2 आर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का ही मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा। एक्सट्रीमा का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ डैश एक्स तुम्हारा 0 होगा। तो बाकी का काम सोचो तुम और जल्दी से आंसर बताओ। एक ही मिनट का टाइम मैं दूंगा, उसी में तुम्हें जल्दी से बताना होगा। बताओ कितना आया आंसर इसका, एनीवन? ई
यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो देखो हमें यहाँ पर एफ एक्स है, तो एक काम करते हैं अपने सेफ साइड के लिए, यहाँ पर मॉड एक्स है ना, तो हम एफ एक्स को अच्छा सा अपना सेफ साइड के लिए दो तरह का बना लेते हैं, अल्फा लॉग ये मॉड एक्स एक्स में खुलेगा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा काम होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। हम लगे हाथ यहाँ पर एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 बीटा एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स मैंने ये वाला चीज निकाल के रखा है किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। चलो एफ एक्स को हम यहाँ पर दूसरा खोल देते हैं, जब एक्स का मॉड एक्स जो होगा जब अंदर वाली चीज निगेटिव होगी, ठीक है। एफ एक्स को हम उस तरह से ओपन करेंगे जब अंदर वाली चीज हमारी निगेटिव हो जाएगी, तो जब एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा तो ये हो जाएगा एक्स अल्फा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और ये किसके लिए है, एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो यहाँ से हम एफ डैश एक्स भी निकाल लेंगे, तो एफ डैश एक्स हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा लॉग ऑफ माइनस एक्स, लॉग ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स, तो पहले ये माइनस एक्स हो गया और माइनस एक्स का -1 हो गया, ठीक है, प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1, ये वाला चीज किसके लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए। चलो हो गया, अब हमें बोला गया कि x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 जो है वो एक्सट्रीमा का पॉइंट है, मतलब सर f डैश ऑफ -1 हमारा 0 के बराबर होना चाहिए और f डैश ऑफ 2 हमारा ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो f डैश ऑफ -1 बेसिकली हम कौन सा पार्ट के लिए देखेंगे, f डैश ऑफ -1 अगर मुझे देखना है तो वी विल गो विथ विच पार्ट, f ये लेस देन 0 वाला, ठीक है, f डैश ऑफ -1 और f डैश ऑफ 2 यहां पर भी लगा लो। एफ डैश ऑफ 2 के लिए हम पहला वाला पार्ट देखेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 ही रखना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बाई 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन यहां से आ गया। और अगर हमने x के जगह पे -1 रखा तो -1 मतलब ये वाला पार्ट रखना पड़ेगा हमको, और क्या, ये वाला पार्ट रखेंगे तो हमारा ये चीज हो जाएगा -1 और ये वाला हमारा आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आ रहा है क्या तुम लोगों का, बता दो जल्दी से, इस तरह के दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे। इट्स वेरी इजी यार, अल्फा प्लस 4 2 8 बीटा इक्वल्स टू -2, ये इधर से आ गया, ठीक है, और यहां से आ गया माइनस, इसको भी ऐसे कर लेते हैं ना, अल्फा प्लस 2 बीटा और ये -1, तो इधर जाके 1। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो और आंसर तुम लोग क्या बता रहे हो, अल्फा इक्वल्स टू 2 और बीटा इक्वल्स टू -2, बस तुम्हें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया सभी का, सभी का आंसर आया क्या, या किसी को कुछ बताना है, आ गया सभी का, चंद्रांशु, मुबाशिर, हर्ष, पोनी, अवधूत, आ गया यहां तक सभी का आंसर, हाँ सर, ये तो है सुबह में, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलो जल्दी से। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस, इन दोनों कर्व्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा ऑप्शन मैंने पूरा नहीं लिखा क्या, ओके लिख देता हूँ, रुक जाओ, चलो तुम लोग सॉल्व करो, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, है 7√2/4 और डी है √2/4, लिख दिया मैंने। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ओके सही है, सही है, कैसे बनाया बताओ, कैसे बनाया करिश्मा, एक्स को एक्स इज इक्वल्स टू वाई ले लिया और फिर उसको वो किया डिफरेंशिएट, फिर कोऑर्डिनेट्स आ गया और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, सही है, चलो देखो आ गया, बाकी लोगों का आया क्या, बाकी लोगों का, अवधूत आया तुम्हारा,
प्रियंका, श्रेया, हर्ष आ गया ये वाला। क्या बोल रहा है यार? हाँ सर, ओके okay. उसके बाद वाला भी कर लो। दोनों के स्लोप्स तो सेम होने चाहिए। देखो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा एक कॉमन नॉर्मल पर आता है। ये वाला कर्व रहे और ये वाला कर्व रहे, कोई भी कर्व रहेगा तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा एक नॉर्मल मतलब कॉमन नॉर्मल पे आता है। तो तुम्हें दोनों का स्लोप को सेम करना पड़ेगा, ठीक है? तो यू विल हैव टू फाइंड, दोनों का डिफरेंशिएशन करो, दोनों को सेम कर दो और फिर आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो पहले तुम क्या करोगे कि 2y इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा dy बाई dx कितना आ गया, यू विल गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2y। और अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू dy बाई dx। तो यहां से तुम्हें dy बाई dx कितना मिल गया, वो तुम्हें मिल गया 2x, ठीक है? अब कोई भी कर्व होता है तो अगर तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो इट ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल का मतलब है कि दोनों एक, मान लो ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, तो इसका जो टेंजेंट इधर होगा, इसका जो टेंजेंट इधर होगा, दोनों का टेंजेंट मतलब पैरेलल होगा टेंजेंट, ठीक है? तो यहां से तुम्हें एक चीज मिलेगा कि 1 बाई 2y इज इक्वल्स टू 2x। तो यहां से तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन क्या होगा, इट विल समथिंग लाइक एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है? अब यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू 1/4 आया, तो तुम क्या करो कि अब इसको किसी एक के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है? इसको किसी एक के साथ सॉल्व कर लेना। तो फर्दर जैसे बहुत इजी है इसको सॉल्व करना कि अगर तुम यहाँ से वाई को निकाल के किसी एक कर्व के साथ सॉल्व कर लो, फिर दूसरे कर्व के साथ सॉल्व कर लो, दोनों पर पॉइंट्स निकाल लो और मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो। ये जो चीज आया इसको एक बार इसके साथ सॉल्व कर लो और एक बार इसके साथ सॉल्व कर लो, ठीक है? और फिर दोनों जगह से पॉइंट्स निकाल लो और पॉइंट्स निकालने के बाद बस उसको तुम क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके कर लेंगे, ठीक है? तो यहां से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3√2/4। इसके बाद बस मैं लिख देता हूँ, सॉल्व दिस विथ बोथ कर्व टू गेट द पॉइंट। दोनों कर्व के साथ सॉल्व कर लो तो तुमको एक पॉइंट मिल जाएगा, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है, ठीक है? चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बी है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते चलो। अगला वाला भी दिख रहा होगा तुम्हें, तुम्हें fx को यहाँ पर बताना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो देखो बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला जो भी चीज होता है, हम लोग सबसे पहले fx हमारे पास रहता है, फिर हम क्या करते हैं वहां से f डैश x निकालते हैं, ठीक है? जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात होगा तो हम यहाँ पर सबसे पहले f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x हमारा कितना आ जाएगा, f डैश x विल बी इक्वल टू 4 3 12 x³ प्लस 4 3 12 x² माइनस 12 2 24 x, बस ये इक्वल टू 0। उधर वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर करते हैं। तो 12 को तो पहले ही हटा दो, तो x³ प्लस x² माइनस 2x इक्वल्स टू 0। एक काम करो, x को और कॉमन ले लो, तो x को कॉमन लेके तो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और फिर देखो ये भी एक फैक्टर गिरेगा कि x, और ये आ जाएगा आई थिंक ये होगा x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये चीज हमने कर लिया। अब इतना करने के बाद इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा क्या होगा, एक तो 0 आएगा, एक इधर तुम्हारा 1 आएगा और इधर तुम्हारा -2 आएगा, ठीक है? अब वेवी कर्व मेथड से भी जा सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है? अब देखो इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि एफ डैश एक्स जो होगा, ये एक्चुअली एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन है ना, एफ डैश एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो उस पार्ट में क्या होगा, इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स तुम्हारा लेस देन 0 होना चाहिए तो उस पार्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो प्लस वाला पार्ट है ना, प्लस वाला, ये इंक्रीजिंग कहलाता है, ठीक है? प्लस का मतलब होता है बढ़ना, तो इंक्रीजिंग इज प्लस वाला पार्ट,
ठीक है, और डिक्रीजिंग जो होता है वो माइनस वाला पार्ट होता है, तो इंक्रीजिंग हमारा है माइनस टू से जीरो और वन से इंफिनिटी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर डिक्रीजिंग का बात होगा तो डिक्रीजिंग के लिए होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू और जीरो से वन, ठीक है, तो दिस इज द डिक्रीजिंग पार्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बताओ। 3.6 आया, फिफ्थ वाले का बोल रहे हो? हाँ फिफ्थ वाला। नहीं 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 नहीं, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 3.6 नहीं आ रहा बेटा, 6 आ रहा है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये आएगा, दिस इज द आंसर। चलो देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना, मतलब तुम्हें डीवी बाई डीटी दे रखा है वो है 18, ठीक है, व्हेन द एज ऑफ अ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा वॉल्यूम हमारा होता कितना है, वॉल्यूम को हम मान लेते हैं ए क्यूब, ठीक है, तो यहां से डीवी बाई डीटी हम कितना लिख देंगे, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट 3a स्क्वायर dA बाई डीटी, ठीक है, तो हमें यहां से कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले ही पता चल जाएगा क्योंकि डीवी बाई डीटी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो डीवी बाई डीटी इक्वल्स टू 18 इंटू 3a स्क्वायर और यहां से dA बाई डीटी हमको पता चल जाएगा, तो ठीक है अपन dA बाई डीटी का एक्सप्रेशन हम यहां से निकाल के ऐसे ही रहने देते हैं, अभी बाद में हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब व्हेन द एज ऑफ अ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर देन रेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एट सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, वो होता है 6l स्क्वायर या 6a स्क्वायर, तो यहां से अपन इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, ds / dt इक्वल्स टू 6 * ये हो गया 2a dA by dt। अब जो भी चीजें हमें जरूरत है सब तो है ही हमारे पास, 6 * 2a ऐसे ही रहने दो, dA by dt की जगह पे तुम क्या लिख दोगे 18 / 3a स्क्वायर, यहां के हेल्प से, यहां के हेल्प से तुमने ये लिख दिया, तो ये हो गया 6 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3 6 18, तो ये हो गया 6 * 2 * a * 6 / a स्क्वायर। अच्छा एक और खास बात है कि a से तो ये a कट जाएगा और हमें किस साइड पे मांगा गया, देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो हम 6 दुनी 12 ये वाला और ये जो a 12 है ना ये भी कट गया इधर से, आंसर इज 6, तो आंसर आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ गलती कर रही थी मतलब क्या नाम है करिश्मा, कहाँ गलती कर रही थी? सिली मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, एफएक्स अगर हमारा ये, तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स बताना है। सी है क्या? सी, या दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जिन्होंने बना लिया वो नीचे वाला क्वेश्चन देख ले और उसको बनाना चालू करें, ये ओके। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का जहां भी बात होता है तो एफ डैश एक्स करते हैं, तो ए का तो जीरो हो गया, माइनस ये हो गया 8/9 एक्स माइनस 3 का पावर 8/9 माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 1/9, ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स बेसिकली क्या आया, एफ डैश एक्स हमारा आ गया माइनस 8/9 और नीचे में जा करके एक्स माइनस 3 का पावर 1/9 ये आ गया। अब इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू 3, तो एक्स इक्वल्स टू 3 को तो तुम प्लॉट कर दोगे। अब तुम बोलोगे सर वेवी कर्व लगा देते हैं तो प्लस होगा इधर माइनस होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, देखो ये जो फैक्टर है ना इसके साथ ऑलरेडी पहले एक माइनस लगा हुआ है, तो एफ डैश एक्स में अगर पहले ही एक माइनस लगा हुआ है या हायर डिग्री जो चीज है उसके साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो हम लोग ओरिजिनल वेवी कर्व ना जाकर के उल्टा जाते हैं थोड़ा। अगर मान लो ये माइनस यहाँ नहीं होता ना तो हम यहाँ पर आराम से प्लस और माइनस लगाते, अगर वो माइनस नहीं होता तो हम प्लस माइनस लगाते, लेकिन वहां पर माइनस है
तो ये साइन जो होंगे ना वो रिवर्स हो जाएंगे, ये माइनस प्लस ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये माइनस और प्लस इस तरह का स्टार्ट होगा। तो तुम्हें एक चीज और, अगर तुम्हारा कभी भी राइट, ये राइट है ना, नहीं ये लेफ्ट है ना यार, सॉरी दिस इज लेफ्ट और दिस इज राइट, तो लेफ्ट से राइट जाने में अगर तुम प्लस से माइनस में जा रहे हो तो प्लस का मतलब होता है ऊपर उठना, माइनस का मतलब होता है नीचे गिरना, तो एक पहाड़ टाइप का बनेगा, तो दैट इज मैक्सिमा। और यही चीज अगर लेफ्ट से राइट में तुम माइनस से प्लस में जा रहे हो तो मतलब पहले नीचे गिर रहे हो फिर ऊपर उठ रहे हो, मतलब गड्ढा बनेगा, एंड दैट इज मिनिमा, ठीक है। तो प्लस अभी फिलहाल अगर हम लोग सिम्बॉल जो होता है, सिम्बॉल जो होता है ना प्लस माइनस का, वो इधर से देते हैं, लेकिन हम लोग जो मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं, मूव जो करते हैं प्लस से माइनस या मूव करना, वो हम लोग राइट साइड से करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस से माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है, तो x इक्वल्स टू 3 पर तुम्हारा मैक्सिमा होगा, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पर तुम्हारा मैक्सिमा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल है कि x equals to 3 पर देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब बच्चे यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि x equals to 3 को f'x में रख देते हैं। नहीं, तुम्हें जब मैक्सिमम वैल्यू बताना है, if you have to find the maximum value, तो तुम x equals to 3 को कहाँ रखोगे, मेन फंक्शन में रखोगे, मेन फंक्शन में। तो जब तुमने x equals to 3 को वहां रखा तो यू विल गेट द आंसर एज ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, fx equals to this 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 is a function which increases for all x, मतलब हर एक x के लिए increasing है, मतलब f dash x तुम्हारा हमेशा ही greater than 0 होगा। तो अब देखो क्या करोगे तुम लोग, बताओ कितना आएगा इसका आंसर। टू है क्या? नहीं, टू नहीं है सर, वन। नहीं यार, वन भी नहीं है। इज अ फंक्शन विच इंक्रीजेस फॉर ऑल एक्स, then the maximum value of 2a plus 1, मतलब f dash x तुम्हारा हर एक के लिए increase करेगा, f dash x mod word को हटाओ, mod को सीधा cos x करो, फिर देखो f dash x तुम्हारा कुछ वहां से expression आ सकता है कुछ, देखो कोशिश करो। चलो मैं करता हूँ, fx equals to this is a function जो कि हमें हर चीज के लिए increase कर रहा है, तो सबसे पहले मैं fx ले लेता हूं, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस साइन x, और यहां से हो गया माइनस टू ए, ठीक है, f डैश x, तो f डैश x हमारा ये आ गया। और अगर ये फंक्शन हर जगह पर इंक्रीज कर रहा है तो f डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर ऑल x, हर एक x के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनस साइन x माइनस टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब हमें ये है कि माइनस साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू ए, इसका मतलब है कि साइन x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू ए। इससे कुछ पता चलता है, साइन एक्स का जो रेंज, मतलब ये हम इसको अगर अच्छे से लिखें तो माइनस टू ए का जो वैल्यू है, माइनस टू ए का वैल्यू, अच्छा ठीक है चलो, माइनस टू ए का जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक्सप्रेशन पर आकर के हम लोग अटक गए। तो माइनस टू ए का वैल्यू जो है वो साइन एक्स के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूं कि माइनस टू ए का वैल्यू साइन एक्स के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मतलब साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए। माइनस टू ए
का जो वैल्यू है वो साइन एक्स के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मतलब डेफिनेटली माइनस टू ए को साइन एक्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा या उससे ज्यादा होना पड़ेगा। तो माइनस टू ए यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लिख सकता हूँ कि नहीं, ये समझने वाली बात है। साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन में होता है और माइनस टू ए को हमेशा उससे बड़ा होना है, तो यार ऑब्वियसली वो उसके मैक्सिमम से ही तो बड़ा होगा ना। ठीक है, तो यहां से फिर तुम्हें क्या पता चला, आ तो गया अब हमारा, तो यहाँ ये 2a को उधर ले जाओ, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 2a, अगर थोड़ा पलट के लिखेंगे तो 1 प्लस 2a इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये एक्सप्रेशन ही तो इसको डिफाइन कर रहा है। तुम्हें पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू किसका, मैक्सिमम वैल्यू 2a प्लस 1 का, तो 2a प्लस 1 जो है वो 0 या उससे छोटा होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में, बोलो। ठीक है, तो बस यही चीज था और कुछ नहीं, साइन एक्स का वैल्यूज चेक करना था, उससे बड़ा उससे छोटा, बस यही था और कुछ। चलो ये वाला बताओ जल्दी से, 8 नंबर क्वेश्चन। डबल डेरिवेटिव पे जाना, फटाक से आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएंगे, तो यू विल हैव टू गो विद द डबल डेरिवेटिव, चले जाओ डबल डेरिवेटिव पे, आ जाएगा। कितना आया बताओ, क्या आ रहा है इसका ऑप्शन, 8 का ऑप्शन क्या आ रहा है बताओ अवधूत, कितना आ रहा, कोनी कितना आ रहा बेटा 8 का, सी के सी बोला जा रहा है, और कोई सी ऑप्शन के साथ, ए शायद, अच्छा ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, और कोई कुछ बोलेगा क्या, कोई मैसेज वगैरह कर रहा है क्या, देख लेते एक बार, चंद्रांशु कुछ बोलो, अवधूत कितना आ रहा आंसर, कुछ बोलो, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना एफ एक्स हम मान लेते हैं एक्स का पावर 5 माइनस 5 एक्स का पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 1, अपन एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 एक्स का पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा इक्वल टू 0 भी कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ही क्यों, अपन 5 एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, हाँ 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 5 एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 5 थ्री जा 15 इक्वल्स टू 0, किसका मैसेज आया यार, सी, हाँ हर्ष सी है आंसर, तो तुम्हारा बी कैसे आ रहा था यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये इधर हो गया और यहाँ से ये बन गया एक्स माइनस 3, जब मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से तुम्हें लोकल मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें क्या क्या मिला, एक्स इक्वल्स टू 0 मिला, फिर उसके बाद एक्स इक्वल्स टू 3 मिला और फिर x equals to 1 मिला, ये तीन पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे,
आगे हम ये चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स, चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि यहाँ परेशानी होगा, यहाँ से भी चाहो ना तो तुम वेवी कर्व लगा करके फटाक से बता सकते हो। वेवी कर्व अगर लगाओ तो ये जीरो यहाँ रहेगा और वन यहाँ रहेगा और थ्री यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो इधर से सब कुछ तो पॉजिटिव ही है, हायर डिग्री टर्म पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये प्लस ऐसे रह जाएगा, थ्री थ्री हमारा इस वाले से आ रहा तो यहाँ पर कर्व चेंज कर जाएगा, वन हमारा इससे आ रहा तो यहाँ पर भी चेंज कर जाएगा, लेकिन जीरो हमारा इससे आ रहा इस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर इवन है तो वहां पर चेंज नहीं करेगा, तो ये प्लस होगा। मतलब इस जगह पर एफ डबल डैश एक्स जो है वो मतलब चेंज नहीं कर रहा, अपना सिंबल चेंज नहीं कर रहा। तो जब सिंबल जहां पर चेंज नहीं करता तो वहां पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होता है उसको वहां पर होता है। अदरवाइज अगर अच्छे तरीके से देखना तो एफ डबल डैश एक्स को तुम ले लो तो एफ डबल डैश एक्स तुम्हारा आ जाएगा 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब डबल डेरिवेटिव क्या बोलता है कि एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा लेस देन जीरो है तो वो होगा मैक्सिमा का पॉइंट, और एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो वो होगा मिनिमा का पॉइंट, और अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो है देन इट विल बिकम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा जैसा आगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी तुम रख के चेक करना, एक बार x equals to 0 रख के चेक करना, x equals to 3 रख के चेक करना और x equals to 1 रख के चेक करना। x equals to 0 पर वो clearly दिख रहा है कि f double dash x अपना symbol change नहीं करेगा, तो it means कि वहाँ पर neither maxima nor minima हो जाएगा। आया समझ में? करिश्मा समझ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन बताओ, नाइन्थ नंबर। अब इसमें अगर है तो तुम दो बार में तोड़ दो, एफ एक्स को तोड़ दो एक बार, अगर तुम एक बार में कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर एफ एक्स को तोड़ दिया जाए सबसे बढ़िया, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो देख लो क्या होता है। एफ एक्स को दो तरह से लिख देते हैं, जब हमारा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड क्या खुलेगा वन प्लस एक्स करके, और जब हमारा एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो मॉड क्या खुलेगा एक्स बाई वन माइनस एक्स करके, ठीक है, x का वैल्यू लेस देन जीरो ऐसे करके हम f डैश x निकाल लेते हैं। तो f डैश x हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो अगर तुम यहां से देखोगे तो 1 प्लस x माइनस x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, मतलब 1 बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब सर x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर इस वाले में देख लेते हैं, तो f डैश x हम यहाँ भी निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो जब तुम दूसरा का डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां से माइनस 1 एक आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस x और इधर प्लस x बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, ये आ गया 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगेन इट इज ग्रेटर देन 0। मतलब सर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, f डैश x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो मतलब वो इंक्रीजिंग होता है। तो मतलब सर आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके चलिए या x का वैल्यू आप लेस देन 0 लेके चलिए, हर एक जगह पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि दोनों केसेस में हमारा ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस कि हाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। श्रेया तू बना रही है? श्रेया ओके बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ और फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ, ये दोनों क्वेश्चंस बनाओ। डी क्वेश्चन नंबर 10 का, हाँ जी ओके सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज द राइट आंसर। और किसी का आया क्या क्वेश्चन नंबर 10?
चलो ठीक है, जिसका आ गया वो आगे बढ़ते चलें। करिश्मा क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ, कोनी, मुबाशिर, चंद्रांशु, जल्दी। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट वेयर टैंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर तुम्हारा टैंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होना है, तो मतलब कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। ठीक है, मतलब तुम्हें इस कर्व का dy by dx को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो सिंपल है, dy by dx निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3x square minus 3 to the 6x minus 9 equals to zero, 3 को कॉमन ले लो क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल होना है ना, तो यहाँ से हो जाएगा तो ये हो गया x square minus 2x minus 3 equals to zero, तो यहाँ से अगर मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे तो x square minus 3x plus x minus 3 equals to zero, और यहाँ से हो गया x minus 3 plus of x minus 3 equals to 0, तो यहाँ से x minus 3 और x plus 1 equals to 0, and you will get x equals to 3 and x equals to minus 1, ठीक है, these are the answer, that is option number D. चलो, उसके बाद question number 11 करो, set of values of B for which local extremum values of function fx are positive, and maxima occurs at 1 by 3. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, रुको रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन 11 है ना, x equals to 1 by 3, हाँ सही है, चलो ठीक, क्वेश्चन मैंने सही लिखा। आया क्या इसका आंसर, कोई बताएगा? ये शायद श्योर नहीं, श्योर नहीं है। ओके हर्ष सर, एक मिनट बस, और उतना भी नहीं कर दो। ओके कोनी, अवधूत सर, बी बी, देखो चलो देख लेते हैं क्या हमें बोला गया है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच लोकल एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफएक्स आर पॉजिटिव। लोकल एक्सट्रीमम वैल्यूज जो होगा इस फंक्शन का वो पॉजिटिव होना चाहिए और मैक्सिमा अकर होना चाहिए x इक्वल्स टू 1 बाई 3 पर। ठीक है,
लोकल एक्सट्रीम मतलब लोकल जो मैक्सिमा या मिनिमा जो आता है ना, क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये बोल रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स से हमें क्या मिलेगा, 2/3 a² 3 इधर आएगा तो 3 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² x² ठीक है, और -5ax+3 ठीक है। अब इसको इक्वल्स टू जीरो करो, क्योंकि मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो निकालना ही है, तो इसको देखो 3 × 6a² 6a² को कैसे तोड़ोगे यार, 6a² को तुम तोड़ सकते हो क्या, 6a-a हाँ तोड़ा जा सकता, तो 2a² x² -2ax-3ax+3=0 हाँ इस तरह से तोड़ सकते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइज मैं कर रहा हूँ ठीक है। तो यहां से 2ax को कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा x-1 नहीं ax-1 और -3 को कॉमन ले लो, तो ये हो गया ax-1=0। यहां से तुम्हें मिला ax-1 और यहां से तुम्हें मिला 2ax-3=0, मतलब तुम्हारा जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला वो तुम्हें मिला, एक मिला 1/a और दूसरा मिला 3/2a, दिस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें अब क्या बोला गया है कि यही लोकल एक्सट्रीमम जो है, इसी को तो लोकल एक्सट्रीमम बोलते हैं ना यार, जो भी तुम क्रिटिकल पॉइंट्स लाते हो दिस इज नोन एज लोकल एक्सट्रीमम। तो लोकल एक्सट्रीमम जो वैल्यूज है वो तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यार बेसिकली एक चीज देखो कि यहाँ जो लोकल एक्सट्रीमम जो वैल्यूज है वो किस पर डिपेंड कर रहा, ए पर डिपेंड कर रहा, तो मतलब सर डेफिनेटली इतना तो पक्का बात है कि ए का वैल्यू हमको ग्रेटर देन जीरो ही रखना पड़ेगा, तभी तो मेरा लोकल एक्सट्रीमम पॉजिटिव आ पाएगा ना यार। अगर हम ए का वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तब तो लोकल वो पहला स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा, तो ए ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो हम रखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो तुम मुझे इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करके बताओगे कौन किधर होगा, 1/a और 3/2a में बड़ा कौन है। अगर a का वैल्यू लेट सपोज मैंने कोई फिक्स कर दिया जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सिर्फ 1 और 3/2 बचेगा, तो 1 और 3/2 में बड़ा कौन है, तो डेफिनेटली सर 3/2a इधर आएगा और 1/a इधर आएगा। समझ में आया ये वाला चीज, ये चीज समझ में आया तुम लोगों को या नहीं आया, पहले ये बता, बोलो यार जल्दी बोलो ताकि मैं फिर ना या सर। हाँ तो लोकल एक्सट्रीमम को पॉजिटिव होना था, तो मैंने 1/a और 3/2a को इस तरह से सजा दिया। अब ऐसा सजाने पर ऑल्सो हमें ये भी देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स में जो हायर डिग्री टर्म है, हायर डिग्री टर्म का जो कोफिशियंट वो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस और प्लस ऐसा होगा। अब प्लस से माइनस तो मैक्सिमा यहाँ बनेगा और माइनस से प्लस तो मिनिमा यहाँ बनेगा ठीक है। तो हमें आगे क्या बोला गया है कि मैक्सिमा जो है वो x=1/3 पर अकर हो रहा है, मैक्सिमा जो है वो अकर हो रहा है x=1/3 पर। मतलब सर यहां से एक बात पक्का है कि यार 1/3 नहीं बल्कि ये 1/a ही है मैक्सिमा का। देखो इधर से सॉल्व करके हमने लाया कि सर ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा, तो 1/a इज द मैक्सिमा, और फिर हमें आगे बोल रहा है कि 1/3 मैक्सिमा है, तो दोनों सेम हो गया, तो मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया ना, a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, यस और नो बोलो। और मिनिमा कहां पर आएगा, अगर a का वैल्यू 3 हो गया तो जरा बताओ तो मिनिमा कहां पर आएगा, मिनिमा एट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मिनिमा कहां पर होगा, x इक्वल्स टू 1/2 पर। अरे यार ये दोनों में रख देना ना मैं ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या बताना है, हमें सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b बताना है जिसके लिए ये कंडीशन पॉसिबल होगा। तो यार सिंपल है ना कि f ऑफ 1/2 जो है ठीक है, f ऑफ 1/2 मिनिमा अकर्स अगर हमारे यहाँ पर, तो f ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ठीक है। तो यहां से तुम इसको रख लो, सारे को सॉल्व कर लो, 1/2 निकाल लो और फिर ये तुम्हारा हो जाएगा मिनिमा अकर्स एट x इक्वल्स टू 1/2। तो तुम्हें रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ b बताना है। कितना आ रहा b का रेंज,
सॉल्व करो, तुम्हारा ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको फर्दर सॉल्व करना तो बी इज ग्रेटर देन माइनस 3/8 आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आया कि f ऑफ 1/2 ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ? ये समझ में आया? आगे बढ़े, इसको सॉल्व कर लेना, माइनस 3/8 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। For the function fx equals to this in the interval this, the slope of the tangent at any point, the slope of the tangent at any point of the function is minimum. अच्छा, slope of the tangent को minimum होना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। slope of the tangent, अब सोचो सोचो, जल्दी बताओ। मिनिमम होना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, मतलब dy by dx को मिनिमम होना है इस बार, फंक्शन को मिनिमम नहीं होना, फंक्शन के स्लोप को मिनिमम होना है। जल्दी जल्दी आंसर। हर्ष कितना है इसका? हर्ष कितना आया? एक मिनट। डबल डेरिवेटिव का होगा ना, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप को मिनिमम होना है। तो ए है क्या सर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोल रहे हो क्या अवधूत? हाँ सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सही है। देखो अभी कौन आया यार, ओके देखो, एफ एक्स हमारा है ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमें एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये हमारा एफ डैश एक्स तुम निकालना, तो पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई का पावर एक्स साइन एक्स। अब बहुत से लोग यहीं पर काम करना चालू कर देते हैं, नहीं एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है ना कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज मिनिमम, मतलब तुम्हें टेंजेंट का जो स्लोप है ना, एक्चुअली देखो ये क्या है, ये जो चीज आया ना, यही है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है कि इस पर्टिकुलर चीज को मिनिमम करना है। तो यार अभी अगर मान लो मुझे अपने फंक्शन को मिनिमम करना होता था तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते थे, बट यहाँ पर मिनिमम किसको करना है, इस वाली चीज को मिनिमम दिखाना है, इस वाली चीज को, तो हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर f डबल डैश x कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब माइनस के साथ इधर वाला, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हो गया e का पावर x cos x माइनस e का पावर x sin x माइनस e का पावर x sin x और माइनस e का पावर x
cos x, जिसके कारण ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, आंसर आया माइनस टू ई का पावर x sin x आया, ठीक है। f डबल डैश x हमने निकाल के रख लिया सर, f डबल डैश x हमारा आ गया माइनस टू ई का पावर x sin x। अब हमें x का वैल्यूज भी दे रखा है कि x हमें कहां से कहां चेक करना है, 0 से 2 पाई के अंतराल में चेक करना है। तो सर देखिए, e का पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो इसका तो बात ही मत कीजिए सर अभी फिलहाल। अब आप जो भी चीज हम सोचेंगे वो e का पावर x को हटा के सोचेंगे, क्योंकि e का पावर x हमको कोई टेंशन नहीं देगा। अब अगर हमें मिनिमम पता, पहले तो हम ये पता करते हैं कि sin x इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये वाला चीज को जीरो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मुझे टेंजेंट के लिए मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है तो उसका जो डेरिवेटिव अभी आया इसको जीरो करेंगे। तो sin x बताओ जीरो कहाँ कहाँ होता है, एक तो जीरो पर, एक हमारा पाई पर और एक टू पाई पर, ठीक है, इन सभी जगह पर जीरो होता है। अब यहाँ पर वेवी कर्व लगाया जाएगा, लेकिन वो भी बहुत ध्यान से लगाना, वो भी बहुत सोच समझ के लगाना, क्योंकि देखो एक सेकंड सुनो, अभी एक बात बताओ, अगर यहाँ पर माइनस साइन बाहर में नहीं होता, अगर माइनस साइन बाहर में नहीं होता तो तुम्हें आराम से पता है कि इस इंटरवल में साइन एक्स का सिंबल क्या आता है। अगर 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 ये बाहर में माइनस साइन नहीं होता तो यहाँ पर प्लस आता और यहाँ पर माइनस आता, आता कि नहीं आता, सही है कि नहीं ये वाला, बोलो, है ना, अरे बोलो यार, बोलते रहो, बोलते ही नहीं हो जी, लेकिन हाँ, अब लेकिन बात यहां पर ये आ रहा है कि हमें बाहर में एक माइनस साइन दिया हुआ, तो जब बाहर में एक माइनस साइन दिया तो ये अपना रिफ्लेक्शन यहाँ डालेगा, तो ये अगर ये रिफ्लेक्शन डालेगा तो एक्चुअल सिंबल हमारा क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो तुम्हें एक्चुअली क्या पता करना है, इस पर्टिकुलर जगह पर मिनिमम पता करना है। तो मिनिमम लो ना सर, ये गिरा और फिर उठा, तो मतलब मिनिमम कहां पर आएगा, पाई पर ही मिनिमम आएगा, x इक्वल्स टू पाई पर हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पर थोड़ा तुम्हें एक बार और आगे बढ़ के थोड़ा काम करना पड़ता, बस ज्यादा कुछ खास है भी नहीं उतना क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो फिर तुरंत तुम्हारा हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। श्रेया, करिश्मा, प्रियंका, समझ में आया ऊपर वाला 12 नंबर वाला क्वेश्चन, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। ओके प्रियंका, मोमोज खा लिया बेटा? आज लगता नहीं खाया बच्चा नहीं सर, हाँ मुझे भी लगा कि तूने मोमोज नहीं खाया। मोमोज खाने से दिमाग चलता है ना, ऐसा होता है ना शायद, सर ए क्या? यस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आया क्या सबका? आसान है, आसान है। एफ एक्स इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल, मतलब तुम्हें इस फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बनाना है और तुम्हें अपना जो फंक्शन रखना है वो इसी में रहना चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकालो, निकालो एफ डैश एक्स।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए ये हो गया हाँ ठीक है रुको एक सेकंड थोड़ा सा मुझे नीचे अरे यार ये कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया यार देखो थोड़ा सा देख पा रहे होगे तो अरे नहीं दिखेगा ना दिख रहा है सर ठीक है हमको फिर ऊपर का नहीं दिख रहा ना ठीक है सर आप कर लीजिए ऊपर से हाँ तुरंत कर ले रहा हूँ तो चलो देखो हमें एफ एक्स क्या हो जाता है हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन ठीक है अपन एफ डैश एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर टू जा एट एक्स प्लस लैम्डा ठीक है अब इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन जीरो होना चाहिए लेकिन उसने ये भी बोल रखा है कि ये पूरा फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए और उस डिक्रीजिंग इंटरवल का लार्जेस्ट इंटरवल है माइनस टू से माइनस टू बाई थ्री मतलब तुम्हारा ये जो एफ डैश एक्स है वो इसी इंटरवल बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब इसी इंटरवल में तुम्हारा ये एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए ठीक है तो एफ डैश एक्स अगर यहाँ पर लेस देन जीरो तो इसका मतलब है कि ये एफ डैश एक्स का जो क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ है इसके रूट्स ही यहीं पर आ जाएंगे तो अच्छा होगा ना अगर इसके रूट्स यहाँ पर आ गए तो यार डेफिनेटली इससे इसके रूट्स अगर यहाँ आ जाएंगे तो पक्का पक्की बात है कि इससे ज्यादा बाहर तो ये डिक्रीजिंग करेगा नहीं क्योंकि सर देखिए माइनस टू से माइनस टू बाई थ्री के बीच में ही क्या हो रहा है ये नीचे गिर रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने ही इंटरवल में बस ये नीचे गिरना चाहिए तो ठीक है सर इतना ही इंटरवल में दिस पर्टिकुलर एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग मतलब इट मीन्स दैट माइनस टू एंड माइनस टू बाई थ्री आर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स का रूट्स होगा तो बस अब तुम्हें लैम्डा का वैल्यू पता करना ना यार ये देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो मान लो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तुम्हें लैम्डा का वैल्यू पता करना लैम्डा का वैल्यू अगर पता करना और ये दोनों रूट्स हैं तो हाउ कैन दीज टू रूट्स बी रिलेटेड विद लैम्डा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स याद है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज विल बी सी बाई ए तो c by a is lambda by 3 और यहाँ पर product of the roots कितना हो जाएगा it will be 4 by 3 ठीक है multiply कर लेना तो lambda का value हमारा 4 आ गया ठीक है तो इस particular question का answer होगा option number a that is equals to lambda equals to 4 is the right answer चलो solve करो इसको minimum distance of a point on the curve this from the origin ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए तो कर्व पे कोई पॉइंट मान लो लेट सपोज कर्व पे एक पॉइंट मानो टी और दूसरा पॉइंट अपने आप इस पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर दोनों के डिस्टेंस को निकालो तुम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला और उसमें डिफरेंशिएट मार के काम कर लेंगे चलो बताओ 14 का आंसर कितना होगा चलो बताओगे आंसर कितना आ रहा जल्दी से चलो कर लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन कर्व बी अगर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को टी माना तो अपने आप वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर और इसका डिस्टेंस कहां से देखना है 0,0 से तो मान लेते हैं उस डिस्टेंस को अपन क्या बोल दें लेट द डिस्टेंस बी रिटन एज कैपिटल डी कैपिटल डी ही बोल देते हैं क्योंकि फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा
टी माइनस जीरो मतलब टी का स्क्वायर प्लस ऑफ टी स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये चीज होगा ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर डी तुम इसको इसको अगर मैक्सिमा या मिनिमा करना, तो यार सीधा सीधे अपन डी स्क्वायर को ही क्यों ना देख लें, अपन सीधा सीधे डी स्क्वायर को अगर देखेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस इट विल गिव अस टी का पावर फोर प्लस 16 माइनस 8 टी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 8, ये हो जाएगा टी का पावर 4 माइनस 7 टी स्क्वायर प्लस 16 ठीक है। अगर डिस्टेंस मिनिमम होना है मतलब उसका स्क्वायर भी मिनिमम होना चाहिए ना यार, तो क्या टेंशन है। तो डी ऑफ डी स्क्वायर बाई डी टी, ये टाइम नहीं है, ये हमने टी माना है ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 टी क्यूब माइनस 7 टू जा 14 टी हो गया ठीक है। तो यहां से अगर तुम इसको जीरो के बराबर करोगे तो टी को कॉमन ले लो, तो हो गया 4t स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू जीरो। तो टी का वैल्यू आ गया जीरो, और यहां से टी स्क्वायर एक्चुअली तीन वैल्यूज आएंगे, टी का वैल्यू जीरो आया और टी का वैल्यू आएगा, एक आएगा रूट ओवर होल 14 बाई 4 और दूसरा टी का वैल्यू आएगा माइनस रूट ओवर होल 14 बाई 4 ठीक है। अगर तुम इसको सबको प्लॉट करोगे तो जीरो इधर आएगा, माइनस ऑफ रूट 14 बाई 4 इधर आएगा और प्लस ऑफ रूट 14 बाई 4 इधर आएगा ठीक है। हमें हायर डिग्री का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर तुम इधर वाले क्रिटिकल पॉइंट को देखोगे तो माइनस से प्लस में जा रहा है ठीक है। इफ यू विल, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस ठीक है ठीक है। तो मिनिमम हमें निकालना था ना, तो मिनिमम हमारा किस पर आ जाएगा, मिनिमम हमारा ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, ये नीचे से ऊपर या तो यही मिनिमम आएगा और क्या, देखते हैं ना मिनिमम, उसके बाद प्लस से माइनस तो ये हो गया मैक्सिमम, और ये फिर से माइनस से प्लस तो ये हो गया मिनिमम ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम होगा, तो डी स्क्वायर जो होगा, एक्चुअली हम लोग डी स्क्वायर के लिए देख रहे हैं ना, तो डी स्क्वायर हमारा मिनिमम किस पर होगा, एट टी इक्वल्स टू कुछ भी ले लो ठीक है, टी इक्वल्स टू प्लस माइनस यही दोनों में से कुछ भी ले लो। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं डी स्क्वायर के लिए, तो टी का तो वैल्यू आ गया, अब टी के इस टी के वैल्यू को मेन डी में भी तुम बैठा सकते हो, कहीं भी कुछ भी बैठा दो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद टी का वैल्यू दोनों ही टी के वैल्यूज को बैठा दो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ये है ना डी का एक्सप्रेशन। तो t का वैल्यू तुम चाहे प्लस ले लो या माइनस ले लो, रूट 14 बाई 4 कुछ भी ले लो, तुम्हें देखो अंदर में t स्क्वायर चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो d का वैल्यू यहां से हो जाएगा इट विल बिकम 14 बाई 4 प्लस इट विल बिकम 14 बाई 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 14 बाई 4 प्लस 4 चक 16, 4 चक 16 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 14 मतलब ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ओवर 14 बाई 4 प्लस 2 टू जा 4 बाई 4 4 जा 16, काटा छाटी तो करना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 7 बाई 2 प्लस 2 बाई 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा नीचे में, इट विल गिव अस 8 नीचे में आ गया और रूट ओवर 2 4 जा 7 4 जा 28 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 30, रूट 30 बाई 8 इसका मतलब है रूट ऑफ 15 बाई, मतलब ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है, हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जो तुम आराम से कर पाओगे, कोई वैसा भारी चीज नहीं होता इसमें, बस डी को ना लेकर के तुम डी स्क्वायर भी ले लोगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा। जो वैल्यूज आएगा उसको रख दो वहां पर, सॉल्व कर लो ठीक है। एक थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि शायद ऑप्शन सी होगा, बट ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन 15 क्रॉस चेक कर सकते हो ऑप्शंस को, शायद इसमें ये काम कर जाए। डिक्रीजिंग जानना है तो सबसे पहले तुम्हें एफ डैश एक्स को लाना ही पड़ेगा, एफ डैश एक्स लाओ, फिर उसके बाद इंटरवल्स को चेक कर लो, बस सबसे आसान तो यही लगता है यार, एफ डैश एक्स ला करके इंटरवल्स को चेक कर लो, ऑप्शंस को चेक कर लो, हो जाएगा आंसर।
बी है क्या? ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे 15 का? नहीं बॉम्बे नहीं है। सर सी है क्या? सी भी नहीं है। ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज देखो, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा 100 एक्स का पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है 0 से पाई बाई 2, ठीक है? तो 0 से पाई बाई 2 का अगर मैं बात करूं तो एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है? 0 से पाई बाई 2 में अगर हम बात करते हैं, अगर मैं x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 रखूंगा तो f डैश x जो होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस वाले केस में f डैश x क्या होता है, fx क्या हो जाएगा, बेसिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट रखोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा 0 से पाई बाई 2 वाले केस में। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी का बात करूं 0 से 1, ठीक है, तो 0 से 1 में भी तो ये इंक्रीजिंग ही होगा ना यार। 0 से 1 का अगर मैं बात करूं तो उसमें भी तो cos x हमारा पॉजिटिव ही होता है ना। अगर मैं cos x का ग्राफ अलग से इधर बना लूं थोड़ा सा, तो यार 0 से 1 यही समथिंग होता है, इसमें भी पॉजिटिव। 0 से 1 वाले केस में पहला पार्ट भी पॉजिटिव प्लस दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव, मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर भी fx क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग। अगर मैं c वाले पार्ट का बात करूं तो पाई बाई 2 से पाई में, अच्छा हमारा अभी f डैश x है 99 प्लस cos x। अब सवाल यहां उठता है कि पाई बाई 2 से पाई में cos x नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, और उसी अंतराल में मुझे इसको देखना। तो अब तुम्हें यहां पर चेक करना होगा कि कौन ज्यादा होगा। देखो यार, अगर तुम यहां पर पाई बाई 2 से पाई का कोई भी वैल्यू एक अपने मन में भी सोच लो ना, तो तुम्हें ये खुद ही अपने आप पॉजिटिव दिखेगा। अगर जैसे पाई बाई 2 क्या होता है 1.57 और पाई होता है 3.14, एक वैल्यू उठा लो 2, तो यार यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर है ना, ये हमेशा से cos x से ज्यादा हो रहा, क्योंकि cos x पाई बाई 2 से पाई में कहाँ के कहाँ बीच में रहता है, 0 से माइनस, मतलब माइनस 1 से 0 के बीच में रहता है, और ये तो कहाँ x का पावर 99 है, और पाई बाई 2 जो क्वांटिटी है वो 1 से बड़ी है, तो डेफिनेटली इसका जो बढ़ना होगा ये तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना। 100x का पावर 99 जो होगा ये cos x के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो इट इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो मतलब इन तीनों में से फिलहाल कोई आंसर नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? आया समझ में? हां सर। ओके, दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पर x equals to 1 by 2 और x equals to 1 का बात किया गया, तो तुम पहले ही पूरा का पूरा सिस्टम को पॉजिटिव में ही खोल दो, क्योंकि अगर नेगेटिव रहता तो हम नेगेटिव के बारे में सोचते। जब क्वेश्चन में ही पहले नेगेटिव नहीं दिया हुआ, x equals to 1 by 2 दे रखा है और x equals to 1 दे रखा है, तो तुम यार पूरा का पूरा fx को पॉजिटिव x के साथ डिफरेंशिएट मार दो, मॉड x को ना पॉजिटिव में खोल दो और फटाक से आंसर बता दो।
आंसर आंसर जल्दी। कम ऑन यार, इसका तो बता सकते हो जल्दी से। एफ डैश ऑफ 1/2 जीरो करना है और क्या, बस हो गया। एफ डैश ऑफ 1/0 करना, दो इक्वेशंस आएगा। नहीं आया क्या, कितना आया इसका? हर्ष कितना आया? अवधूत कितना आ रहा? चंद्रांशु, मुबाशिर, चलो देखो। x equals to 1/2 और x equals to 1 इसका extremum point, extreme points, extreme points का मतलब है कि उस जगह पर f dash x zero आया। क्या बोले? D, बॉम्बे आएगा। ऑप्शन ए, दिल्ली नहीं यार, ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, ऑप्शन ए। देखो x equals to 1/2 और x equals to 1 extremum points है इस पर्टिकुलर फंक्शन का, तो obviously हमें जब ये x positive है, ये भी x positive है, तो हम fx को अपना नया तरीके से लिख लेते हैं, वो mod x को सिर्फ positive वाला ही खोलेंगे, तो fx हमारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा a log x plus b, ये हो जाएगा x square plus ये हो जाएगा 2 cos pi x by pi, ऐसा हो गया। मैंने x को positive बना के खोल दिया, ठीक है, mod को हमने खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, f dash x निकालेंगे, तो f dash x क्या हो जाएगा, a by x plus 2 bx plus 2 रहने दो, cos का क्या होता है minus sin pi x, और pi x का क्या होगा pi, और नीचे में pi, तो ये वाला pi से तो ये वाला pi कट गया। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो गया a by x plus 2 bx और minus 2 sin pi x, ये हमारा f dash x आ गया, ठीक है, ओके। अगर ये f dash x आ गया तो चलो, अब जो हमें बोला गया ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू अगर हम f dash x में रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि f dash of 1/2 जीरो होना चाहिए और दूसरा f dash of 1 भी हमारा जीरो होना चाहिए। तो f dash of 1/2 अगर हम रखते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2a plus 2 into b into 1/2 और minus 2 sin of पाई इनटू एक्स का वैल्यू 1/2, ये जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ से ये 2 से तो ये 2 कट गया, यहाँ से आया 2a plus b minus, ये देखो ये वाला चीज sin पाई by 2 है, sin पाई by 2 का वैल्यू 1 होता है, तो minus 2 equals to 0, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया 2a plus b equals to 2, एक इक्वेशन ये आ गया। f dash of 1 रखते हैं, तो f dash of 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a plus 2b minus 2 sin पाई equals to 0, sin pi का तो value 0 होता है, तो sin pi का value अगर 0 हो गया तो दूसरा expression क्या आ गया, a plus 2b equals to 0। अब अगर तुम्हारे पास ये दो expression है तो तुम इसको solve कर लो आराम से। चलो आओ देखते हैं, हमारे पास पहला expression है 2a plus b equals to 2 और दूसरा expression है a plus 2b equals to 0। मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले equation को 2 से multiply करके फिर से लिख दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 4a plus 2b equals to 4 और यहां से हो गया a plus 2b equals to 0, माइनस कर देंगे तो ये कट गया, तो ये हो गया 3a equals to, ऐसे a minus b हम रिलेट तो कर सकते थे आराम से, इतना करने का जरूरत नहीं, ठीक है, ये इतना मत करो, ये a और b का वैल्यू तो निकालने नहीं बोला ना, मत करो इतना। देखो यही दो एक्सप्रेशन तुमने जब ले आए ना, जब तुम ये दो एक्सप्रेशन ले आए तो तुरंत तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, इतना मत करो, वो आ गया आंसर, आ ही गया है, वो a और b का तो वैल्यू निकालने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहां पे। ये जो दो इक्वेशंस आए हैं ना, इन दो इक्वेशंस को माइनस कर दो, ये पहला इक्वेशन आया है ना और ये दूसरा इक्वेशन आया, तो 1 माइनस 2 कर दो, देखो तुम्हारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, ऑप्शन निकल के आ जाएगा, तो 1 हमारा है 2a plus b minus, सेकंड इक्वेशन ले लो a plus 2b और इसका RHS अगर हम लेंगे तो 2 minus 0 2 हो गया, तो देखो यहां से i नहीं गया क्या, 2a plus b minus a minus 2b equals to 2, तो यहां से 2a minus a is a minus b equals to 2, तो a और b का वैल्यू अगर निकालने बोलेगा ना
तब हम उसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ ए और बी का वैल्यू तो निकालने बोला ही नहीं था तुम्हें, तो बस ऑप्शन मैच करना था, तो ऑप्शन मैंने मैच करा दिया, बस हो गया। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन यहाँ से आया, ये एक एक्सप्रेशन यहाँ से आया, दोनों को मैच करा दो, आंसर हो गया, बस खत्म सी बात। समझ में आया सभी को? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सेवेंटीन नंबर, करिश्मा समझ में आया ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला? श्रेया, प्रियंका? हाँ सर। चंद्रांशु तुम्हें समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऊपर से रिवाइज हो रहे हैं ना, जो पहले पढ़ा था तुमने वैसा कुछ कुछ? ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन चलो 17 नंबर का क्वेश्चन देखते कौन बताता आंसर। द लाइन दिस टचेस द कर्व दिस एट द पॉइंट, तो बस टेंशन का क्या बात है, टच करने का मतलब है टेंजेंट। अब तुम इस लाइन, ये जो लाइन है ना, यहां से तुम स्लोप पता करो, इस लाइन को डिफरेंशिएट कर दो तो इधर का स्लोप आ जाएगा, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो तो उधर का स्लोप आ जाएगा, दोनों के स्लोप को इक्वल कर दो, आंसर ले आओ, आ जाएगा आंसर। चलो जल्दी करो। सी वाला है क्या सर? देख रहे हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड अवधूत। उसके बाद वाला करो, नीचे लिख रहा होगा, तो चलो आओ मैं भी कर देता हूं इसको। देखो हम इस वाले लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x by a का तो 1 by a आ गया, प्लस ये 1 by b वैसे ही रहेगा, y का डिफरेंशिएशन होता dy by dx equals to 0। यहां से मुझे पता चला कि dy by dx कितना आ जाएगा, इधर 1 by b रहने दो, इधर हो गया minus 1 by a, तो यहां से फिर मुझे पता चला कि dy by dx कितना आ जाएगा, that will be minus b by a, इधर का तो आराम से आ गया, वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन है तो आराम से तुम बिना ऐसे किए भी निकाल सकते हो। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना, ये हमारा हो जाएगा dy by dx is equals to b को तो ऐसे ही रहने दो, e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन वही होता है, और minus x by a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा minus 1 by a। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यहां से हम dy by dx को अच्छे से लिख देते हैं, तो dy by dx हो गया ये b और ये minus 1 by a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो minus b by a e का पावर minus x by a, इधर से हमारा dy by dx ये आ गया। अब ये जो लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन जो है वो इस कर्व पे टच कर रहा है, मतलब इसका जो स्लोप होगा और इस पर्टिकुलर कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि माइनस बी बाई ए जो इधर से हम लिखे हैं, इधर से जो माइनस बी बाई ए लिखे हैं डीवाई बाई डी एक्स, और इधर से जो है वो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी ना, दोनों का स्लोप तो बस सेम करना, तो जिससे माइनस बी बाई ए कट गया, तो तुम्हें यहां दिखेगा कि ई का पावर माइनस एक्स बाई ए इक्वल्स टू वन दिखेगा, जीरो नहीं वन दिखेगा। ठीक है, तो अब यहां से तुम बताओ तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली x का वैल्यू जीरो ही होना चाहिए ना, क्योंकि e का पावर में अगर जीरो रहेगा तभी तो वो वन बनेगा ना, तो डेफिनेटली यहां से तो इतना बात पक्का है कि x का वैल्यू जीरो होगा। अब अगर x का वैल्यू जीरो हो गया तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू जीरो हो गया तो हम y का वैल्यू पता करने के लिए कर्व में पॉइंट को रखना, कर्व में हमेशा कर्व में ही पॉइंट को रखना, तो x equals to 0 को तुम यहां रख दो, तुम्हारा y का वैल्यू निकल जाएगा y equals to b e का पावर माइनस x का वैल्यू 0, तो 0। अच्छा, e का पावर माइनस 0, अब ये मत सोचना कि माइनस 0 हो जाएगा, नहीं यार, माइनस 0 ना 0 ही होता है, तो y का वैल्यू यहां से कितना आ गया b, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, 0 कॉमा b इज द कोऑर्डिनेट ऑफ टचिंग पॉइंट, टचिंग पॉइंट जो होगा वो 0 कॉमा b आएगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमें यहां पर देखना है कि 0 से पाई बाई 2 में ये कितना मैक्सिमा होगा, कितना मिनिमा होगा, ये बताना है। डिफरेंशिएट करो जल्दी से। बी लग रहा है, बी लग रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको हमें जीरो के बराबर करना पड़ेगा, हमें इसी का साइन चेंज देखना होगा ना कि मैक्सिमा होता है क्या होता है। तो देखो इसको करेंगे कैसे ये सीख लो। तो इसको तुम लिख दो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली दिक्कत होता है इसमें। और अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया, ये एक्स स्क्वायर इधर चला गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इधर चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये कुछ ऐसा है ना, एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये है इधर x माइनस कॉस एक्स, और नीचे में क्या है x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। हमारा f डैश x सिंपलीफाइड वर्जन में ऐसा दिखेगा, f डैश x हमने ये ले आया। अब देखो यार, f डैश x में तुम्हें पता करना ना कि मैक्सिमा किधर होगा, मिनिमा किधर होगा, ऐसे करके। डिनोमिनेटर तो मेरे को लफड़ा नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर मेरे को कोई भी टेंशन नहीं देगा फिलहाल यहाँ पर, बिकॉज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें बस परेशानी ये है कि x प्लस cos x और x माइनस cos x में हम कैसे पता करें कि वो लोकल मैक्सिमा कहाँ आएगा, लोकल मिनिमा कहाँ आएगा। तो चलो हम क्या करते हैं ना, एक ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली दो ग्राफ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक एक x है और एक cos x है। तो हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। x का ग्राफ ये वाला होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। ठीक है, और cos x का ग्राफ हम बना लेते हैं। तो cos x का ग्राफ बेसिकली हम ज्यादा दूर तक तो नहीं बनाएंगे, बस यहीं तक बनाएंगे। तुम्हें पता है ना क्यों यहीं तक क्यों बना रहे हो सर? क्योंकि यार हमें बात ही किया गया जीरो से पाई बाई टू, हमें बात ही करा गया है जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही देखना है, तो बस हम यहीं तक cos x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ध्यान से एक चीज एनालाइज करवाऊं, तो देखो अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखो ध्यान से, इस पॉइंट ऑफ इंटर, ये कुछ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मुझे पता नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मेरा x का वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि मेरा x का वैल्यू इस वाले इंटरवल में है, ध्यान से, अगर x का वैल्यू इस वाले इंटरवल में है तो कौन बड़ा है, इस वाले इंटरवल में है तो कौन सा ग्राफ बड़ा है? इस इंटरवल में अगर है तो cos x का ग्राफ देखो ऊपर है और x का ग्राफ नीचे है। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में cos x माइनस x क्या होगा, cos x माइनस x क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर मैं इस इंटरवल के बाद वाला इंटरवल में देखूंगा तो इस इंटरवल में x बड़ा है और cos x नीचे है। देखो ना, x वाला ग्राफ ऊपर है ना, cos x वाला ग्राफ नीचे है ना, तो इस इंटरवल में cos x माइनस x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो यार तुम्हारा f' x माइनस cos x है ना। हाँ, तो ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस cos x ले लो। तो यार उल्टा कर देंगे ना यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है यार, अपन इसको ही देख लेंगे ना, कोई बात नहीं। चलो अगर तुमको x माइनस cos x, ठीक है सही बात है, वहां पर x माइनस cos x है तो अपन x माइनस cos x के साथ ही चलते हैं। तो लो ये इधर नेगेटिव होगा ना। अब चलो देखो, नीचे वाला चीज तुम्हारा कोई टेंशन नहीं देगा, ये वाला पैरामीटर तुम्हारा कोई टेंशन नहीं देगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में ही चेक करना है। 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव, 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव। मतलब सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमको कुछ भी टेंशन नहीं देगा, ये दोनों हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। सवाल है x माइनस cos x का। तो देखो यहाँ पर कोई एक मीटिंग पॉइंट है, दिस इज समथिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट में अगर मैं लेफ्ट में देखता हूँ, अगर मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ इस तरफ में, तो x मेरा नीचे है और cos x ऊपर है, तो x माइनस cos x इस पर्टिकुलर इंटरवल में निगेटिव होगा कि नहीं,
बोलो क्या दिमाग में सभी का ये बात। और यही चीज अगर मैं इधर लेके चलूं, इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट में लेके चलूं, तो एक्स ऊपर है और कॉस एक्स नीचे है, तो इधर तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स माइनस कॉस एक्स का ही बात कर लो, चलो यार एक्स माइनस कॉस एक्स का ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर में भी हमको वही रिक्वायरमेंट है, एक्स माइनस क्या हो गया, एक्स माइनस कॉस एक्स का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक्स देखो लेफ्ट साइड में एक्स नीचे था, मतलब एक्स छोटा था, कॉस एक्स बड़ा था, तो निगेटिव आया। राइट साइड में एक्स बड़ा है, कॉस एक्स नीचे है, कॉस एक्स छोटा है, तो पॉजिटिव आया। तो देखो तुम एक चीज देख रखते हो कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ये वाला एक ऐसा पॉइंट है भाई, जहां पर हमारा फंक्शन माइनस से प्लस में जा रहा है। माइनस से प्लस में जाना मतलब एक इनके बीच में तुमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब ग्राफ तुम्हारा माइनस से प्लस में जा रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहां पर बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग ला, अगर तुम sec square x वाला पार्ट से अगर तुम सोचोगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है तुमको, ठीक है। तो इट विल बी बेटर कि तुम उसको cos x वगैरह में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज x और cos x का ग्राफ हमें पता होता है, तो दैट इज द थिंग। ओके, समझ में आया सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? एवरीबडी बोलो एक बार, सब लोगों को समझ में आया ये वाला? बाकी लोग, चंद्रांशु तुमको समझ में आया? करिश्मा समझ आया ये वाला? अवधूत, मुबाशीर, प्रियंका? यस सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिस हो गए वो मैं दे दूंगा तुम्हें, ये पूरा का पूरा पीडीएफ तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम उसको देख लेना और बाकी के क्वेश्चंस को वहां पर बना लेना, 10-12 क्वेश्चन है अभी, और जो भी दिक्कत होगा मेरे से पूछ लेना। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो, ठीक है। और जो बाकी के क्वेश्चंस है वो तुम लोग बना भी लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद।